जय पीरां दी दोस्तों, साबिर पाक कलियर शरीफ वाले दाता जी, इन्हां नूं आपां सारे ही जानदे हां। अज आपां तुहानूं इन्हां दे आखरी समय दी एक सच्ची घटना बारे दसांगे। सो इस वीडियो नूं पूरा जरूर देखियो। एक दिन साबिर पिया कलियर शरीफ वाले दाता जी अपने दरबार विच बैठे अपने मरीज नूं कहण लगे कि सानूं इंज लगदा कि असीं कुछ क दिनां च ही इस दुनिया तों चले जाणा है। सो इस करके असी तुहानू कुछ गल्लां दसनिया चाहते हाँ। वो मरीद हाथ जोड़ के दाता अगे फरियाद करन लगा कि दाता जी ये तुसी की कह रहे हो, जे तुसी चल गए तां तुहातो बिना असी इस दुनिया ते किद्दां रहांगे। तुहाडे हुंदिया सानू जन्नत दा एहसास हुंदा, तुहाडे तो बिना साडी जिंदगी नरकां वाली हो जाणी आ, ये तुसी की कह रहे हो। इस ते साबर पिया जी कहण लगे कि घबराउण दी लोड़ नहीं, असी तैनू कुछ गल्लां दसांगे साढ़े आखरी समय, तुसी इन्हां गल्लां दा ख्याल रखना है। तां उस मरीद ने हथ जोड़ के कहा, सरकार तुसी जो कहोगे असी वो तुहाडे वास्ते करांगे। साबिर पिया अपने मरीद नू कहण लगे, जदों असी इस दुनिया नू छड्ड के चले जावांगे तां साडे जिस्म नू कोई भी नहलावेगा नहीं। तां मरीद कहण लगा, ऐ मेरे दाता जी, तुसी की कह रहे हो, तुसी बिना गुसल कीतिआं अल्लाह पाक दी कचहरी विच जाना चाहते हो। इस ते दाता जी कहण लगे, नहीं नहीं, साडे कहण दा मतलब है कि जिस कमरे दे विच साडा इंतकाल होवेगा उस कमरे नू बाहरों बंद कर दिओ ते अंदरों अपने आप ही पानी आवेगा। जदों तक पानी दी आवाज़ आउंदी रहेगी तुसी ये समझना कि तुहाडा मुरशद अंदर नहा रहा है। फिर दाता जी ने कहा कि मैनू कोई भी कफन नहीं पहनावेगा, अपने आप ही तुहाडा पीर कफन पहनेगा। दाता जी कहिंदे कि बाद विच साडे जनाजे नू एक खुले मैदान दे विच लैके जायो, पर ये याद रखियो कोई सूफी कोई काजी किसे नू कोई इजाजत नहीं आ कि वह साडा नवाजे जनाजा पढ़े। तां मरीद कहिंदा, सरकार फिर तुहाडा नवाजे जनाजा कौन पढ़ेगा? तां दाता जी कहिंदे कि पश्चिम दिशा तो एक इंसान घोड़े ते आवेगा, चिट्टा घोड़ा होवेगा, जदों वह तुहाडे कोल पहुँच जाए तो उन्हूं मसले तक पहुँचा दिओ। कुछ दिनों बाद उस तरह ही होया जिस तरह पीर जी ने कहा सी, सारे काम जदों उस तरह ही हो गए। दाता जी ने आप गुसल किया, आप कफन पहनिया, तो जदों उस कमरे का बूहा खोलिया गया तां सारिया ने देखा कि जो दाता जी कह के गए सी सारा कुछ उस तरह ही होया। उस तो बाद दाता जी का जनाजा एक खुले मैदान दे विच लेके आंदा गया। मुरीद ने ऐलान किया कि दाता जी ने कहा सी कि साड़ी कोई भी आदमी सूफी काजी नवाजे जनाजा नहीं पड़ेगा। वो कहिंदे सन कि कोई आवेगा पश्चिम दिशा तो आवेगा, चिट्टे घोड़े ते आवेगा, वह साड़ी नवाजे जनाजा पड़ेगा। काफ़ी देर मरीद उस घोड़े वाले नू डीकदे रहे। काफ़ी समय बाद वो तेज घोड़े वाला आया। वो मरीद अगे होया ते आके कहन लगा, तुसी बड़ा इंतजार करवाया है, मसला खाली पिया है, आओ ते दाता जी दी आखरी नवाजे जनाजा पढ़ो। वो इमाम घोड़े तो उतरिया, मसले ते सवार होया, दाता जी दी नवाजे जनाजा पढ़ी गई। उस तो बाद वह दोबारा घोड़े ते सवार होके उत्थों जान लगा। तां उसे मरीद ने अगे होके दाता जी दा उस घोड़े सवार दा पल्ला फड़ लिया ते उन्हानू कहन लगा, तुसी सानू अपना नाम तां दस दे जाओ, जदों कलियर दे बादशाह अल्लाह दे नबी दाता साबिर पिया कलियर शरीफ वालियां दी जीवनी लिखी जाएगी तां उस विच तुहाडा नाम जरूर लिखिया जाएगा। अगर तुहाडा नाम उस विच ना लिखिया जाएगा तां आउण वाले मरीदां नू किंज पता लगेगा कि दाता जी दी नवाजे जनाजा किने पड़िया सी। मरीद बार बार उस घोड़े वाले नू पुछ रहा है, उस घोड़े वाले दे मुँह ते नकाब है, पर उन्हां दे मुख विचों कोई भी गल नहीं निकल रही आ। मरीद बार बार उन्हां दा नाम पुछ रहा है। जदों कोई भी जवाब उस मरीद नू ना मिलिया तां उसने अपने सवाल दा लहजा ही बदल दिता ते कहन लगा, ऐ पश्चिम दिशा तो घोड़े ते आने वाले, जे तुसी अपना नाम नहीं दसना चाहते तां तुसी अपना पाक मुख ही सानू दिखाल दिओ तां जो असी लिख सकीए
नवाजे जनाजा पढ़ने वाले का मुख इस तरह का सी, उहदे बाल इस तरह के सी, उहनां दीआं अखां इस तरह दीआं सीगीआं। सानूं कुछ तां लिखण नूं मिल जाएगा। जदों उस घोड़े वाले ने इन्नी गल सुनी तां अपने पाक मुख तों जदों उसने पल्ला सरकाया तां सारे ही देख के हैरान रह गए। वह कोई होर नहीं सी, वह खुद दाता साबर पिया कलिया शरीफ वाले आप सन। उस मरीज ने जदों देखिया कि दाता जी घोड़े उत्ते बैठे हुए हैं, वह हैरान हुंदा होया पुछदा कि ऐ दाता जी ये की करिश्मा आ, तुसी जनाजे ते भी लेटे हुए हो, तुसी ताबूत विच भी लेटे हो, ते तुसी घोड़े ते भी सवार हो, किते साडियां निगाह धोखा तां नहीं खा रही। इस ते दाता साबर पिया जी कहण लगे कि ऐ मेरे मरीद, कुछ दिन पहला तू मैनू पुछया सी कि असी किताबां विच पढ़दे आ फना ते बका, पर मतलब समझ नहीं आउंदा, ओ असी तैनू अज दस्या है। दाता जी कहण लगे मेरी उस गल दा जवाब है जो ताबूत विच नज़र आ रहा है ओ फना है, ते जो घोड़े ते सवार है ओ बका है। सो ऐसे हन दाता साबर पिया साबर पाक कलिया शरीफ वाले, जिथे भूत प्रेत भी जाके माफिया मंगते हैं पनाह मंगते हैं। तुसी भी अपनी जिंदगी विचो समा कढ के एक बार कलिया शरीफ दाता जी दे दरबार दे दर्शन जरूर करियो। इंशाल्लाह थोड़िया सारिया मुश्किलां अपने आप ही हल हो जाणगियां। जयकारा दाता साबर पिया कलिया शरीफ वालियां दा, बोल सच्चे दरबार की जय।